नमस्कार, एशियन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की खबरों पर। जांजगीर चांपा जिले में थलसेना में भर्ती के उम्मीदवारों को रिटायर्ड सैनिकों के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर रोज सैकड़ों युवा सेना में भर्ती का जज्बा लिए सुबह और शाम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रशिक्षण के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कई जगहों पर कैंप भी लगवाए गए हैं, जहां पूर्व सैनिक और पुलिस के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जिले के युवा सेना भर्ती रैली में अधिक से अधिक संख्या में चयनित होकर देश की सेवा करें और जिले का नाम रोशन करें। जांजगीर चांपा जिले में थलसेना में भर्ती के उम्मीदवारों को रिटायर्ड सैनिकों के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर रोज सैकड़ों युवा सेना में भर्ती का जज्बा लिए सुबह और शाम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रशिक्षण के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई जगहों पर कैंप लगवाए गए हैं, जहां पूर्व सैनिक और पुलिस के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जिले के युवा सेना भर्ती रैली में अधिक से अधिक संख्या में चयनित होकर देश की सेवा करें और जिले का नाम रोशन करें। गौरतलब है कि भारतीय थल सेना द्वारा सेना भर्ती रैली का आयोजन बिलासपुर जिले के बहतराई से 1 से 10 जून तक रखा गया है, जिसमें सामान्य सैनिक ड्यूटी, सैनिक लिपिक, सैनिक तकनीकी, सैनिक नर्सिंग सहित विविध पदों की भर्ती होनी है। इससे पहले भी सैनिक भर्ती में जिले के सर्वाधिक उम्मीदवार चयनित हो चुके हैं, जिसकी वजह से युवाओं में सेना में भर्ती होने रैली को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। भूतपूर्व सैनिक संघ जो है उसका पूरा मतलब प्रशिक्षण का पूरा अरेंजमेंट कर रही है, कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन पर हो रहा है, और इस इवेंट को करा के ये देखा जा रहा है कि और कि जो जो कमियां हैं उनको दूर की जा रही है। जांजगीर पहले से आगे रहा है फोर्स में, और इस बार भी वो आगे ही रहेगा, और जो भूतपूर्व सैनिक जो सर हैं हमारे, वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्लस वो सभी बारीकियों को जो भी कमियां हैं उनको दूर कर रहे हैं, और इस तरीके से लगभग यहाँ बस 50% से अबव सिलेक्शन हो गई होगा। यहाँ पुलिस ग्राउंड में बढ़िया अच्छा से तैयारी करवाया जा रहा है। यहाँ भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। यहाँ जो जो कमियाँ हैं दौड़ के उसमें यानी कि प्रोसेस किया जा रहा है, इसमें क्या है, जो जो कमियां हैं उसको हम दौड़ के माध्यम से दूर कर सकते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, इसे हम देखकर दूर कर सकते हैं। दौड़ में बहुत फायदा मिलेगा। सर के द्वारा बहुत बढ़िया तैयारी करवाया जा रहा है, और यहाँ खाने पीने के सब व्यवस्था किया गया है। और जिला प्रशासन और भूतपूर्व सैनिक संघ के द्वारा जांजगीर जिले का जो हमेशा एक परंपरा बनी रही है थल सेना भर्ती के क्षेत्र में एक अच्छे रैंक के लिए, तो उसी के वो में हम लोग सारे जनपदों में भूतपूर्व सैनिक संघ के द्वारा के सहयोग से आर्मी की प्रशिक्षण करा रहे हैं, और उनकी बेहतर तरीके से उनकी तैयारी के लिए प्री फिजिकल का टेस्ट आज करवाया जा रहा है, जिसमें लगभग जांजगीर जिले के 400 स्टूडेंट सम्मिलित हुए हैं। जांजगीर भूतपूर्व सैनिक संघ के द्वारा कलेक्टर साहब के परमिशन लेके पूरा करवा रहे हैं। जांजगीर जिले के जितना भी बच्चे हैं प्रतिभागी हैं उसको इसलिए करा रहे हैं ताकि वो अपने आप को कितने पानी में जान सके, और कि जिसकी कमी है उनको हम और टिप्स देते जा रहे हैं और देंगे। जो 1 तारीख को बिलासपुर में भर्ती रैली होगा उसमें अपने आप को अच्छा परफॉर्मेंस एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करने के लिए ये प्री भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। इसमें बच्चे बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिक जितने भाई हैं सब बहुत एफर्ट लगा रहे हैं अपना बच्चों को अच्छा से अच्छा लाने के। अप्रोक्स 500 के लगभग बच्चे हैं, और तकरीबन हमारे फौजी इंस्ट्रक्टर हैं वो 30-35 है। 1600 मीटर दौड़ की टिप्स बताई जाती है, कैसे दौड़ना है, किसको कैसे काटना है, और बॉडी वेट कैसे हो, सब प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। बीम लगाने का तरीका, वो लंबी कूद कैसे कूदना है, बैलेंसिंग, ये सब की ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन 24।